हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज अनस्ट्रेस स्टडी। माय नेम इज टॉपरोमर और आज का हमारा टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल एक होता है और एक होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। पता होगा आपको लेफ्ट हैंड थंब रूल जो होता है वो फ्लेमिंग्स का होता है, ये राइट हैंड थंब रूल है। इसके बारे में आज हमें जानना है। लेफ्ट हैंड थंब रूल भी जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मेरा लेफ्ट हैंड थंब रूल पे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है ये राइट हैंड थंब रूल? तो सबसे पहले जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल होता क्यों है, क्या होता है, किस लिए होता है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए। किस लिए होता है? इट इज राइट हैंड थंब रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल इसलिए होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड थंब रूल किसके लिए होता है? लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है हमारा फोर्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, क्लियर है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट कैसे निकाली जाती है? कंपास नीडल से। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसके जस्ट पहले मैंने बनाया वीडियो, उसमें क्या बताया मैंने कि अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली निकालनी है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम निकालनी है, तो वो निकालेंगे हम कंपास नीडल से। लेकिन अगर हमें थ्योरेटिकली बात करें, अगर हम थ्योरेटिकली कोई चीज निकाल रहे हैं करंट की डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें उसके लिए यूज करना है हमारा राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज होता है थ्योरेटिकली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड बाय वेरियस रूल। बहुत सारे रूल बने, उनमें से एक है, वन ऑफ सच रूल इज राइट हैंड थंब रूल। उनमें से जो रूल हमें पढ़ना है वो कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है इस राइट हैंड थंब रूल में? अब समझो, अगर हम पहले तो नॉर्मल मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर रीड करेंगे लिखा क्या है। तो ये जो प्यारा सा डायग्राम है, पहले तो इस पे ध्यान दे दो। अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर को पकड़ते हैं, अब मैंने क्या बताया, हमें जाके किसी भी वायर जिसमें करंट है उसको पकड़ना नहीं है, ये किस लिए? थ्योरेटिकली है, केवल थ्योरेटिकली फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो अगर हमें किसी कंडक्टिंग वायर में, हम कॉपी में पढ़ रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं, और हमें उस वायर का बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन निकालो, तो हम अपना राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग वायर को हमें अपने हाथ से पकड़ना हो तो कौन सा हाथ? हमेशा राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल नाम है, तो हमेशा कौन सा हैंड होगा? राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल से हमें इस कंडक्टिंग वायर को पकड़ना होता है। इस डायरेक्शन में इसको कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब होगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोला मैंने? एक कंडक्टिंग वायर को हमें अपने राइट हैंड से पकड़ना है, और किस तरीके से पकड़ना है कि हमारा जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर है। बोला यहां तक? अब जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट करेगा, उस टाइम पे जो हमारी फिंगर्स राउंड करेंगी एंड सर्कल करेंगी, वो बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक कंडक्टिंग वायर होगी, उस कंडक्टिंग, मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में करंट की डायरेक्शन है ऊपर, करंट की डायरेक्शन है ऊपर। हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग वायर को अपने हाथ से पकड़ा, और कैसे पकड़ा कि हमारा ये जो थंब है ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमने पकड़ा। अब हमारी डायरेक्ट ये जो सर्कल हुई है, फिंगर्स एंड सर्कल हुई है, ये बताएगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है? समझो क्या लिखा है। इफ वी होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन आर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें पकड़ना है, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है? अपना थंब। यहाँ पे क्या है? अपवर्ड। देखो ये एरो बना है ना, एक्स से वाई की डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन क्या है? एक्स से वाई, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो थंब को कहाँ पॉइंट करना है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्लियर है। बोलो देन द फिंगर्स एनसर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि तब ये सब करने के बाद जब हमारी फिंगर्स जिस साइड को एनसर्कल करेंगे वो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस वाले डायग्राम से पहले तो समझते हैं क्या लिखा है। देखो इन द अबव फिगर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एक्स वाई, एक्स वाई एक कंडक्टर है, इसमें हमको निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या किया हमने, एक्स वाई इज अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड हमारा करंट है, करंट इन द डायरेक्ट कंडक्टर एक्स वाई इज अपवर्ड। देखो ये एरो से डिनोट है, एक्स टू वाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द कंडक्टर। कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? हमको ये चीज पहले तो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे निकालते हो, एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता होगी क्लॉकवाइज जो क्लॉक की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जो क्लॉक की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन है, अब ये देखो इस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स एंड सर्कल हो रही है, तो इस डायरेक्शन में ये कौन सी डायरेक्शन है? क्या क्लॉक ऐसे चलती है? नहीं, क्लॉक तो ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है, तो यानी कि ये एंटी क्लॉक वाइज हो गया। समझ लो हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में है, करंट है हमारी वाई से एक्स। अब क्या होगी, हम
थंब को कैसे ऐसे तो पकड़ेंगे नहीं, देखो आप थंब को नीचे पॉइंट करेंगे क्योंकि थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मान लो करंट नीचे तो ऐसे, अब देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल हो रही है, एक ऐसे करके क्लॉक बना रही है, तो क्लॉकवाइज में जैसे होगा वो क्लॉकवाइज और अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी में आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में, तो क्लियर हो गया होगा वो, अगर वो कंडक्टिंग वायर में ऊपर जा रही है तो देखो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर नीचे करंट जा रही है तो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये था, और इनवर्स भी हो सकता है, अगर आपकी करंट अंदर जा रही है तो भी आप देखो किस डायरेक्शन में बाहर है, बस आपको याद रखना है कि थंब विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो सिंपली लाइट एंड थंब रूल क्या क्या कहता है कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड दैट द थंब such that the thumb points towards the direction of current, then the fingers and circle will give the direction of magnetic field या फिर magnetic field lies। हमें क्या करना है, एक conducting wire को पकड़ना है, उस conducting wire को ऐसे पकड़ना है कि thumb जो होगा वो point करेगा towards the direction of current, और फिर उसके बाद जो finger and circle होंगी वो बताएगी magnetic field की direction। तो screenshot लेना हो तो ले लो, पूरा है यही है right hand thumb rule जो है, इसका एक बार screenshot लेना हो ले सकते हो, तो ले ही लिया होगा obviously। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बताना कैसा लगा, कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड ठीक है, लाइक करना मत भूलना, और थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।